उद्योग विभाग द्वारा ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी कंपनियों सहित 20 से अधिक कंपनियों ने नौजवानों की प्रतिभा को विभिन्न श्रेणियों में परखा। इस दौरान सैकड़ों युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया। इस दौरान उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने इस तरह के रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को लगातार बेहतर अवसर दिए जाने का दावा किया। युवाओं ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। बता दें कि इस दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए करीब 500 युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू के बाद सैकड़ों युवाओं का चयन किया गया। एक ही स्थान पर विभिन्न श्रेणियों में रोजगार के अवसर पाकर युवाओं में बेहद उत्साह देखा गया। चक्री जी बताएं कि ये जो सरकार जॉब फेयर लगा रही है, कैसा मानते हैं आप स्टूडेंट के तौर पे? सर, एक्चुअली दिस इज ऑल वेरी गुड, बट कंपनीज आर मोर कंफर्टेबल फॉर अस एंड वी आर मोर कंफर्टेबल टू ज्वाइन बाय दिस। लेकिन अगर प्रयास के तौर पे देखा जाए तो इस तरह के प्रयास होने चाहिए क्या आप मानती हैं? हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए। एक्चुअली बेरोजगारी इतनी है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं युवाओं को, अगर इनके जरिए मिल रहे हैं। आखिर इंसान एक पायदान पे चढ़ के दूसरे पायदान पे जाता है, बेस्ट है। जॉब फेयर में आए हैं तो कैसा लग रहा है? हाँ सर, बढ़िया लग रहा है जी। मैं जहाँ पे आया था कि जॉब के लिए जॉब सर्च कर रहा था, कुछ दिन हो गए, तीन चार महीने हो गए मैं बिना जॉब के था। अभी मेरे जॉब फेयर के बारे में यहाँ पे सुना, फिर इसलिए मैं यहाँ पे जॉब फेयर में आया। और फिर जहाँ पे मैंने अभी एक दो जगह कंपनियों में इंटरव्यू दी है, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि एक यदि इस वीक में हम आपको कॉल करेंगे। तो ये सरकार का प्रयास कैसा लगा? सरकार का तो प्रयास बढ़िया है, जो यहाँ पे जो इंटरव्यू दी है, बाकी तो देख के पता चलेगा कि कैसे है कैसे नहीं। हिमाचल प्रदेश उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने इस तरह के रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को लगातार बेहतर अवसर दिए जाने का दावा किया। मेले के दौरान बातचीत में उन्होंने युवाओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए केंद्र की पूर्व अटल सरकार और प्रदेश की पूर्व बीजेपी सरकार की सराहना की, जबकि पूर्व वीरभद्र सरकार और पूर्व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कार्यकाल में किसी भी उद्योग का ऊना नहीं आने के लिए उनकी आलोचना की। राम कुमार ने मौजूदा जयराम सरकार को प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए गंभीर बताते हुए इस दिशा में बेहतर काम किए जाने का दावा किया। नौजवानों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हमने एक प्रयास किया है, जिसके चलते लगभग 30 नामी कंपनियां हरोली विधानसभा क्षेत्र में आई हैं और यहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर पालकुआ में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के द्वारा हमारा ये लक्ष्य है कि कम से कम 1000 युवा को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से आज मैं नौजवानों में उत्साह देख रहा हूं, तो उससे लगता है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और जो साथ में कंपनियां जो हमने बुलाई थी वो सारी आई हैं, बल्कि हमने तो 27-30 सोची थी, उससे ज्यादा कंपनी यहाँ आ रही हैं। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं आई, देश की नामी कंपनियां वर्धमान टेक्सटाइल जैसी कंपनियां इस रोजगार मेले में आई है। तो ऐसी बड़ी कंपनियों का हरोली विधानसभा क्षेत्र में आना और यहाँ आकर लोगों को, नौजवानों को उनके द्वार पर आकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये अपने आप एक बड़ी बात है। और जिस लक्ष्य को लेकर हमने ये मेला आयोजित किया है, मुझे लगता है वो हमारा मकसद पूरा होगा।